गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टैंडिंग स्कूल बरावा से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ क्लास टेंथ की केमिस्ट्री के आगे का चैप्टर पढ़ाने के लिए, आगे का टॉपिक पढ़ाने के लिए। कल हमने आप लोगों को शुरू किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कल हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बाद इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जो इसके केमिकल रिएक्शन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे उसमें कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम इसकी जानकारी रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट इसमें है कम्बिनेशन, जैसे कि आपको पता है कम्बाइन। कम्बाइन मतलब होता है कि जोड़ना। सिंपल शब्दों में कि आप समझ सकते हैं कि कंबाइन मतलब होता है कि किसी चीज़ को जोड़ देना, कंबाइन कर देना। तो वही है इसमें भी, केमिस्ट्री में भी है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन मतलब होता है कि दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक में बनाना। जैसे इसका आप देखिए, द रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। क्या है कि द रिएक्शंस, वह क्रिया, वह रिएक्शन इन विच टू आर मोर, दो या दो से अधिक सब्सटेंसों को जोड़ के एक सिंगल सब्सटेंस बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप इसमें देखिए, सिंपल चीज़ें आपको मालूम है कि आपको पता है कि जैसे वाटर का फार्मूला, वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब ये H2O तो आप सब जानते हैं, लेकिन H2O दो अलग अलग सब्सटेंसों को लेकर बना है, दो अलग अलग एलिमेंट को लेकर बना है। क्या है उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन में इसका आप एग्जांपल देखिए कि 2H2 + O2 को लेकर हम क्या बना रहे हैं, 2H2O। तो आपको पता है कि एक कम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे यहाँ देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप ये क्या बना आपका, दो अणु आपका वाटर बन गया। वही उसी प्रकार से जैसे आपको अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सब बहुत खुश से बता देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट लेके बने, क्या बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे भी C+O2, हम कार्बन और ऑक्सीजन को जब एक में जोड़ रहे हैं तब क्या बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए C+O2 को जब हमने कम्बिनेशन किया तो क्या बना है आपका, CO2। तो देखिए कार्बन प्लस O2 आपका बना CO2। अब देखिए सेकेंड आइए, अभी आपने देखा कि कम्बिनेशन रिएक्शन, अब आपका है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब होता है स्प्लिट करना, किसी एक चीज़ को, किसी भी जो कंपाउंड होता है कंपाउंड को हम विभक्त कर दें, दो या दो से अलग। जो कंपाउंड होता है कंपाउंड को हम दो या दो से अलग में विभक्त कर देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे दो रिएक्शंस कंपाउंड्स स्प्लिट अप इनटू टू आर मोर, वह कंपाउंड जिसको स्प्लिट कर दें, विभक्त कर दें, किसमें विभक्त कर दें, टू आर मोर, दो या दो से अधिक में हम विभक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए CaCO3 क्या है, CaCO3 किसका फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम और कार्बोनेट एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कंपाउंड CA और CO3 को लेकर बना है। देखो इसमें क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम कॉमन रूप में क्या बोल सकते हैं, लाइम, जिसको हम इसका क्या है कॉमन नेम, लाइम। और अलग किस्में हो गया CO और O2, ऑक्सीजन गैस इससे रिलीज हो गई, अलग हो गई। तीसरा, अब तीसरे में हम घुसते हैं कि तीसरा क्या हुआ। फर्स्ट आपने देखा कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आपने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब तीसरा हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है किसी एक स्थान को परिवर्तित करते दूसरे स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया। डिस्प्लेस उसका जो स्थान है उस स्थान से परिवर्तन हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना। तो इसमें देखिए क्या दिया है, दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। दोज रिएक्शंस, वह रिएक्शंस इन व्हिच, जिसमें वन एलिमेंट, एक एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट के स्थान को पा लेता है,
पहुँचता है, उसके स्थान को ले लेता है, ग्रहण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अब यहाँ देखिए CuSO4 प्लस ZN, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हम जिंक के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और क्या बन रहा है, कॉपर, जिंक सल्फेट। आपके यहां देखिए और ये आपका बन रहा है कॉपर। अब यहां देखिए यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां जो CSO4 था ये किसके साथ चला गया, ZN के साथ, और कॉपर आपका एक। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है, जो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो मोर रिएक्टिव होते हैं और लेस रिएक्टिव के कंपाउंड को विभक्त करके अपने साथ जोड़ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि थर्ड तक आपने पढ़ा, अब आइए चौथा आपको दिखाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपने देखा डिस्प्लेस मतलब होता है कि जो एक एलिमेंट दूसरे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस का प्लेस ले लेता है। अब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल मतलब दो एलिमेंट का जो बात हो रहा है। यहाँ देखिए दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज, यहाँ दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद ये एक्सचेंज करते हैं क्या ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, अपने आयन को एक्सचेंज करके और दो नए कंपाउंड्स नए प्रॉपर्टी के साथ बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, जब इसको हमने रिएक्ट कराया तो अब यहाँ देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, AgCl, अब यहाँ देखिए Ag के साथ Cl चला गया और Na के साथ NO3, अब देखिए AgCl Na NO3 सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ आप देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इस कंपाउंड के साथ, यही होता है। अब हम आपको दूसरा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट प्लस H2S, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट अपने आप में कंपाउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड, दोनों जब आपस में रिएक्ट किए तो यहाँ क्या हो गया, कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉपर के साथ सल्फाइड आ गया और हाइड्रोजन के साथ सल्फेट चला गया, ये आपका हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट में केवल एक ही कंपाउंड होता है, वो मोर रिएक्टिव के साथ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब हाँ ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, इसको जानने की आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे समझें। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम रिएक्शन करेंगे किसी रिएक्शन में, जब ऑक्सीजन को एक कंपाउंड का हटा कर दूसरे हम एलिमेंट के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। दूसरा इसमें दिया है, दो इसके होते हैं जानने के, पहला होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, दूसरा होता है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। देखिए इसको आप ध्यानपूर्वक से देखेंगे, जब आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ना और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन को जोड़ें या हाइड्रोजन को रिमूव करें, दो चीज़ें होती हैं। इसको आप केयरफुली अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब ये चीज़ होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जस्ट इसका अपोजिट आपका क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ आपने देखा ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन रिडक्शन क्या है, जस्ट इसका अपोजिट क्या दिया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
वहाँ क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब फिर देखिए रिडक्शन क्या दिया है, इधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ क्या दे दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको जब भी देखिएगा अच्छे से केयरफुल होकर आप इसको देखेंगे, तभी चीज़ आपको समझ में आएगी। जब भी कोई रिएक्शन होगा, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को उस रिएक्शन में आप जोड़ रहे हैं तो आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या दिया है, या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन नेक्स्ट उसमें क्या दिया, रिडक्शन क्या दिया है, कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ना और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन का। अब हम आइए विद एग्जांपल आपको समझाते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो देखिए क्या हुआ, कॉपर और वाटर बन गया। अब यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, अब ये रिमूव होकर किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ देखिए CuO में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है इसमें रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। क्योंकि आपको यहाँ पता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। आप इसको जो यहाँ आपको दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर देखिए सेकंड वाले में H2, इसमें हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया, तो एड ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ। हमने आपको बताया कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को केयरफुली आप पढ़ेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ आएगी। हम आइए अब दूसरा एग्जांपल लेके आपको देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराकर क्या देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, H2S प्लस Cl2 क्या बना, सल्फाइड और 2SCl। अब यहाँ देखिए H2S से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो वहाँ आप देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये आपका ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे Cl में हमने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन, तो यहाँ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो रिडक्शन होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन।